हेलो दोस्तों, रोफिकुल डिजाइन एंड टेक में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से iOS के एक प्रॉब्लम के बारे में शेयर करने वाला हूँ। मतलब मुझे आज सुबह से ही ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। iOS 15.6 मेरे आईफोन में है और मेरा आईफोन 12 है 128 GB वाला, जो कि करीब 10 महीना हो गया है, 9 महीने से ज़्यादा हो गया, 10 महीना कम्प्लीट नहीं हुआ होगा। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, पर्पल स्क्रीन या फिर आप लोग पिंक स्क्रीन भी बोल सकते हैं। तो उस पर्पल स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं जब अपना फ़ोटो लाइब्रेरी ओपन करता हूँ तो वहाँ पे कोई भी फ़ोटोज़ नहीं दिखाता है, सिर्फ पर्पल कलर का एक स्क्रीन आता है और उसमें फ़ोटोज़ वगैरह होता है लेकिन मुझे सिर्फ पर्पल स्क्रीन दिखाता है। क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह सिलेक्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, वहाँ से मैंने सब कुछ करके देख लिया। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस लिए आया है ये प्रॉब्लम। तो मैंने तो एप्पल का फीडबैक भेज दिया है एप्पल का वेबसाइट में जाके, तो अभी देखते हैं वो लोग कब तक ये सॉल्यूशन देता है। और भी बहुत सारे लोगों को आए होंगे। अगर आप लोगों में से किसी लोगों को ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है या फिर इससे रिलेटेड ग्रीन स्क्रीन या फिर कोई भी और कलर का स्क्रीन आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कि ताकि मुझे भी पता चले कि बहुत सारे लोगों को आ रहा है या फिर सिर्फ मुझे ही आ रहा है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्लिप में आप लोगों को अपने आईफोन में दिखाऊँगा कि वो स्क्रीन कैसा दिख रहा है, पर्पल कलर का या फिर पिंक कलर का बोल लीजिए। तो स्क्रीन आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आखिर में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर चलिए अगले क्लिप में आप लोगों को मेरा आईफोन का स्क्रीन दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन में हूँ, और यहाँ पर फोटोज़ के अंदर देख सकते हैं आप लोग पर्पल स्क्रीन। तो यहाँ पर एल्बम्स के अंदर तो सब कुछ ठीक ठाक दिखा रहा है, लेकिन फ़ोटो लाइब्रेरी के अंदर वैसा प्रॉब्लम आ रहा है पर्पल स्क्रीन का। बाकी आप लोग एल्बम में जाके अपने फ़ोटोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट भी हो रहा है बहुत अच्छे से, यहाँ पे देख सकते हैं 11 फ़ोटो सिलेक्टेड हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम किस लिए आ रहा है पता नहीं। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पर्पल स्क्रीन या फिर पिंक स्क्रीन जो भी आप लोग बोल सकते हैं वो वाला प्रॉब्लम है, लेकिन एल्बम्स में बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह आप लोग देख सकते हैं। तो सिर्फ फ़ोटो लाइब्रेरी में ही ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आप लोगों को इस प्रॉब्लम का वजह पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, ताकि मुझे पता चले कि बहुत सारे लोगों को आ रहा है या फिर बहुत कम लोगों को आ रहा है। और अगर आप लोगों को ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग एप्पल के वेबसाइट में जाके फीडबैक भेज सकते हैं कि iOS में ये वाला प्रॉब्लम है, और देखते हैं कब तक सॉल्व होता है। मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी नेक्स्ट iOS अपडेट आएगा अगर ज़्यादातर लोगों को ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर ज़्यादा लोगों को नहीं आ रहा है तो फिर शायद टाइम लग सकता है या फिर खुद ब खुद भी ठीक हो जा सकता है। मैंने रिस्टार्ट नहीं किया अभी तक, मैं रिस्टार्ट करके देखूंगा। तो अगर रिस्टार्ट करने के बाद ठीक हो जाता है तो मैं आप लोगों को फर्स्ट कॉमेंट में पिन करके दे दूँगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही iOS और आईफोन से रिलेटेड वीडियोस आगे भी देख पाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।